हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम ओम प्रकाश रातावाल और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑरेंज स्काई पर। लास्ट वीडियो हमारा एपिसोड 22 था कोरल ट्यूटोरियल में। आज हमारा एपिसोड शुरू होना है 23, जिसमें हम बात करेंगे इफेक्ट्स मेन्यू की। हम कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास सबसे पहली कमांड है फ्लैटन इफेक्ट्स, जो कि इफेक्ट मेन्यू में है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, इसका काम है आपका जो डिज़ाइन है उसको पूरी तरह से फ्लैट कर देना, यानी कि उसमें सभी कमांड्स को रिमूव कर देगा और उसको एक बिटमैप के रूप में आपको देगा। आप देखें, जो भी आपका कलर प्रोफाइल है, जो कि आपकी सेटिंग है CMYK 300, नीचे आप स्टेटस बार में देखें तो CMYK 300 DPI पर ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ये 300 DPI पर फ्लैटन हो चुका है। दोबारा हम अंडू करते हैं, इसे वापस ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसके बाद इसमें है इफेक्ट्स जितने भी इसमें हैं उनको भी हम देखते हैं, क्योंकि ये सभी इमेज पर यूज होंगे। उसके बाद नीचे आपका आर्टिस्टिक मीडिया को आप जैसे क्लिक करते हैं तो इंस्पेक्टर पैनल पर आपको आर्टिस्टिक मीडिया की सभी ब्रशेस शो होंगी। इसको आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वो ब्रश उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। ये बहुत ही इजी तरीका है ब्रश को यूज करने का, जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे किस ब्रश का क्या काम है और वो किस तरह अप्लाई होती है और किस तरह डिजाइन को चेंज करती है। दोबारा इफेक्ट मेन्यू में हम जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास बेवेल, ब्लेंड, कंटूर, एनवलप, एक्सट्रूड, ये कमांड हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं लेंस की। लेंस का क्या काम है, जब भी आपके पास कोई डिजाइन होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये लोगो है, लोगो पर मैं कोई कलर देना चाहता हूँ या लेंस इफेक्ट देना चाहता हूँ, तो उस टाइम हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कलर हम इसको येलो कर देते हैं। दोबारा इफेक्ट मेन्यू में जाते हैं, लेंस को ओपन करते हैं। फिलहाल ये नो लेंस इफेक्ट पर है, यानी कि कोई इस पर अभी सेटिंग अप्लाई नहीं है। हम इसको क्लिक करते हैं। इसमें अलग अलग सेटिंग है, तो आप किसी भी सेटिंग को चेक कर सकते हैं। जैसे ब्राइटन, तो उसको ब्राइटन करने के लिए नीचे आपकी परसेंटेज दी हुई है। आप उसको फ्रोजन करना चाहते हैं, रिमूव फेस करना चाहते हैं, व्यू पॉइंट आप उसका चेंज करना चाहते हैं, ये बहुत बढ़िया है। व्यू पॉइंट आप इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे इसे हम कहते हैं 3 इंच पर। तो आप देखेंगे लोगों की जो पोजीशन है, जो कि हमें लेंस पर नजर आनी चाहिए, वो चेंज हो चुकी है। तो जब भी इस तरह आप सेटिंग को चेंज करेंगे एक्स और वाई पैरामीटर पे, तो उसका व्यू चेंज हो जाएगा। दोबारा इसको अंडू करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, इसमें काफ़ी कमांड्स हैं। इसमें फिश आई हम देख लेते हैं, हीट मैप, यानी जो भी इफेक्ट आपको चाहिए आपको यूज़ करने होंगे, तभी आपको पता लगेगा कि किस इफेक्ट का क्या काम है। मैग्नीफाई, कितना आप इसको मैग्नीफाई करना चाहते हैं। इस टाइम ये 2.0x पर है, यानी 2x पर है, तो इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। टिंटेड ग्रे स्केल, ट्रांसपेरेंसी, वायर फ्रेम, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी ऑब्जेक्ट के किसी पोर्शन पर ना इफेक्ट यूज़ करके उस पूरे ऑब्जेक्ट को ही हमने अलग से यूज़ करना है, ताकि हम उसको ऑब्जेक्ट को बार बार ना छेड़ें। तो हम जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर उस पर रखते हैं, उसमें लेंस की सेटिंग को अप्लाई करते हैं, जिससे कि लेंस की जो सेटिंग है वो उस पर दिखाई दे, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। फिश आए, तो ये था इसमें हमारा लेंस। लेंस के बाद में हम देखते हैं इसमें फोटो कॉकटेल। फोटो कॉकटेल को समझने के लिए हमें एक इमेज लानी होगी पहले, तो हम पेज नंबर 1 पर दोबारा चलते हैं, या एक ब्लैंक पेज लेते हैं। हम जूम आउट किया हमने इसको थोड़ा। सबसे पहले इसमें हम वही इमेज इम्पोर्ट करते हैं, फाइल मेन्यू में जाके हमने प्लेस किया। यहाँ हम इमेज देखते हैं अपने पास, जो भी हमारे पास इमेज है, जैसे हमने एक पोस्टर इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद हम कमांड में चलते हैं, इफेक्ट फोटो कॉकटेल। यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको रेफरेंस शो करेगा, जिसमें हमने इमेज को इस टाइम सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपका लाइब्रेरी में आप वो फोटो सेलेक्ट करेंगे जो इस पे हमने यूज़ करनी है। एक्चुअली ये क्या है कि कुछ फोटो को इसी फोटो पर मिक्स करेगा। इमेज डायरेक्टरी हमने सेलेक्ट करके अप्लाई किया। अप्लाई करने ही के बाद आप देखेंगे ये फोटो को किस तरह पर मिक्स कर देता है। जितनी भी आपकी फाइलें हैं उस पर इसने ट्रांसपेरेंसी यूज़ की है और कॉलम रो में इसको फिट किया है। तो सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। 4 कॉलम में फिलहाल हमने इसको रखा हुआ है, जो इमेज हमने इंपोर्ट की इसके ऊपर। रो इसके हम चेंज कर सकते हैं। जो ब्लेंडिंग है वो कितना परसेंट आप इसमें रखना चाहते हैं, इस टाइम 30% है। इसमें आप डुप्लीकेट सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। नीचे जो ऑप्शन है वो आप चेंज कर सकते हैं, आउटपुट आपको किस तरह चाहिए, स्ट्रेच आउटपुट मैच करने के लिए, ओमेट पार्शियल। तो मेन बेसिकली जब भी आपको इस तरह का कोई डिज़ाइन क्रिएट करना हो जिसमें आपको एक मेन इमेज पर कुछ इमेज मिक्स करनी हो, तो इस कमांड का यूज़ किया जा सकता है, जिसे कहते हैं फोटो कॉकटेल। इसके बाद में जो नेक्स्ट कमांड है हमारी, उस पर हम चलते हैं। इसको फिलहाल हम रिमूव करते हैं। कमांड में जो भी ट्रांसपेरेंसी हमने इसमें यूज़ की हुई है उसे हम रिमूव करते हैं। दोबारा हम कमांड में चलते हैं इफेक्ट पर, और नीचे जो नेक्स्ट कमांड है हमारी है पॉइंटिलाइजर। पॉइंटिलाइजर में हम देखते हैं हमें एक मेन्यू शो होगा इसका। यहाँ हम इसको सेटिंग चेंज करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखें अप्लाई किया हमने इसको फिलहाल इसी सेटिंग पर। तो इस तरह की कुछ सेटिंग है जो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सेटिंग कुछ दोबारा चेंज करते हैं, वैल्यूज़ की थोड़ी कम करते हैं। 0.0 वैल्यूज़ की चेंज करके हमने 0.3 किया है। आप इसका स्क्रीन एंगल चेंज कर सकते हैं, डेंसिटी इसकी चेंज कर सकते हैं।
तो जब भी इस तरह के आपको इफेक्ट यूज करने हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाएं, यहाँ से भी आप उस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा हम इसको अंडू करते हैं। अंडू करने के बाद में हम इसमें दोबारा इफेक्ट में चलते हैं। अब ये कमांड हम कर चुके हैं, इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट्स की। इफेक्ट्स की जो ये कमांड है आप कोरल के फोटो पेंट में भी यूज कर सकते हैं, सेम वही कमांड्स हैं इसमें। एक दो कमांड यूज करते हैं जिससे कि समझ पाए कि इमेज अगर हमें कुछ चेंज करना हो यहाँ पर कोरल में ही तो हम उसको किस तरह कर सकते हैं। जैसे हम इसमें आर्ट स्टॉक में ही चारकोलिक यूज करते हैं, तो आप देखेंगे इसमें जो भी हमने सेटिंग इस पर अप्लाई की है, साइज का कम ज्यादा कर सकते हैं, जो भी उसकी सेटिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके किया हमने, तो इस कमांड का मेन बेसिकली यही फायदा है कि हमें इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ सेटिंग है, कुछ इफेक्ट्स हैं जो हम यही कोरल में यूज कर सकते हैं। ये इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की एडवांटेज है जो हमें कोरल में मिलती है। इसकी जितनी भी सेटिंग है, बाकी जो कमांड्स हैं, वो हम जो कोरल फोटो पेंट स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इन्हें डिटेल से देखेंगे। फिलहाल अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो एक एक सेटिंग को आप किसी भी इमेज पर अप्लाई करके देखिए कि उसका क्या फर्क पड़ता है। जैसे इसको हम दोबारा अंडू करते हैं, एक बार इफेक्ट में जाते हैं, क्रिएटिव में ही इसको हम स्कैटर एक इफेक्ट है जो हम इस पर अप्लाई करते हैं। वैल्यू का आप जितना कम ज़्यादा करना चाहें उतना हम कर सकते हैं। बेसिकली इन कमांड्स का यूज़ इसीलिए आपको दिया हुआ है कि आपको इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर की कम से कम जरूरत हो, इफेक्ट्स जो है आप यहीं पर क्रिएट कर पाएं इमेज पर। तो इफेक्ट्स मेन्यू में ये थी हमारी कमांड जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बिटमैप की। बिटमैप पे हम देखेंगे किस किस तरह की कमांड है, तो इसको भी हम इसी भी एपिसोड में कवर करते हैं। बिटमैप पे सबसे पहली कमांड है कन्वर्ट टू बिटमैप। क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपको एक पैनल शो होगा। इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला है रेजोल्यूशन। जो भी आपका डिज़ाइन है, आर्टवर्क जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वो जरूरी इमेज हो, आपका कोरल ड्रॉ में क्रिएट किया हुआ कोई डिज़ाइन भी हो सकता है, उसकी आप रेजोल्यूशन कितनी रखना चाहते हैं यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। प्रीसेट इसमें दिए 96, 100, 150, 200, 300। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। टाइप करना है आपको 450। टारगेट आपका जो भी है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसको हम 150 करते हैं। 150 करने के बाद आपका कलर मोड आपको इसमें शो करेगा, ब्लैक एंड व्हाइट, स्किन कलर, 4-bit, ग्रे स्केल, प्लेटेड, RGB, CMYK, जो भी हमें चेंज करना है वो चेंज कर सकते हैं। फिलहाल ये इमेज जो है आप नीचे स्टेटस बार में देखें तो RGB कलर में है, तो इसको हम CMYK में कन्वर्ट करते हैं। रेजोल्यूशन इसकी 300 थी ओरिजिनल, इसको हमने 150 कर दिया। नेक्स्ट इसमें जो है ऑलवेज ऑर्पिन ब्लैक। फिलहाल हमने एक इमेज यूज की है तो इस पर इसका आपको ठीक तरह पता नहीं लगेगा, लेकिन जब आप कोई डिजाइन क्रिएट किया हुआ जिसमें आपने ओवरप्रिंट की सेटिंग अप्लाई की है, या कोई भी डिजाइन है जिस पर ब्लैक हमने यूज किया है, तो उस पर ये हम सेटिंग अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि ब्लैक उस डिजाइन पर ओवरप्रिंट एज ए ओवरप्रिंट यूज होगा। उसके बाद में जो नीचे नेक्स्ट है वो है प्रेफरेंसेस, जिसमें हम एंटी अलाइजिंग, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, अगर आपकी कोई लोगो आप इमेज में बनाना चाहते हैं तो उस टाइम आप इसको यूज़ कीजिए। फिलहाल हमारे पास जो स्क्वायर टाइप में या रेक्टेंगल टाइप में अगर इमेज है तो वहाँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है ऑब्जेक्ट में जो ट्रांसपेरेंट हमें करना हो। एंटी अलाइजिंग आपको एजेस सॉफ्ट कर देता है, अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो आपके एजेस में आप देखेंगे थोड़ा हेजीनेस आ जाएगा, तो इसको हम ऑन ही रखते हैं। अप्लाई करते हैं, जैसे ही मैंने इसको अप्लाई किया आप देखेंगे कलर में थोड़ा चेंज आ चुका, क्योंकि ये वैल्यू जो हमने CMYK चेंज किए, अगर आप RGB में रखेंगे तो RGB में चेंज नहीं होगी। दोबारा हम अंडू करते हैं, CMYK में जो हमने चेंज की थी इमेज वापस RGB हो चुकी है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास इसी मेन्यू में, वो है फोटो को स्ट्रेट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इमेज का जो व्यू है वो ठीक नहीं है तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। यहाँ आपके पास ऑप्शन शो करेगा, सबसे पहला है ग्रिड। ग्रिड आपको कैसी चाहिए, उसमें कलर किस तरह की चाहिए, जो कि आपको प्रीव्यू में दिखा रहा है। कलर लेंस डिस्टोर्शन कितना रखना चाहते हैं, सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। इमेज को रोटेट करना हो तो हम रोटेट कर सकते हैं, 90 डिग्री या कुछ उससे कम ज़्यादा हमें करना हो तो वो हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम फिलहाल कर देते हैं 10 डिग्री, तो आप देखेंगे इमेज उसी एरिया में रोटेट हो चुकी है। वर्टिकल पर्सपेक्टिव और हॉरिजॉन्टल इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मुझे लगता है कि ऊपर का जो व्यू है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो नीचे आप देखेंगे कमांड के ही जो पैनल की जो वर्टिकल का जो मेन्यू है उसमें आप नीचे देखें तो आपको दो इमेज शो की हुई है, पहली है टॉप साइड से और दूसरी है बॉटम साइड से, तो हम इसको चेंज करते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड करते हैं इसको, जैसे ही हमने इसको चेंज किया आप देखेंगे इसका जो फोटो का व्यू है वो चेंज हो चुका है। यहाँ पर ग्रेड में आप चेक कर सकते हैं इसको कि इसने क्या किया है। दूसरा, बाहर अगर प्रीव्यू में देखेंगे तो वहाँ पर आपको नजर आएगा। इस इमेज को अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप कर सकते हैं, और अगर क्रॉप नहीं करना चाहते तो उस सेटिंग को भी हम चेंज देख लेते हैं। ये आपके पास इमेज आ चुकी है लेकिन हम इसको क्रॉप ही करेंगे ताकि हमें उस साइज में ही इमेज का पता लगे कि वो कैसी है। और रोटेशन अगर हम इस पर हटा देते हैं तो ये उसी साइज को मेंटेन करेगा। और नीचे आप देखें क्रॉप एंड रीसैंपल टू ओरिजिनल साइज, साइज को भी मेंटेन करेगा ये देखिए। सेटिंग जो भी आपकी होगी उसे ये अप्लाई करेगा। जैसे फिलहाल हम इसको हॉरिजॉन्टल भी चेंज करते हैं इसको,
तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह हम फोटो को चेंज कर सकते हैं, उसकी सेटिंग, जो उसका व्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं इस कमांड में। दोबारा इसको हम कैंसिल करते हैं, कैंसिल करके बिटमैप पर हम दोबारा जाते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है आपका रिसैम्पल क्रॉप। क्रॉप फिलहाल शो नहीं कर रहा है। जब आप इमेज पर मेन्यू आप देखें, आप शेप टूल से इसके नोड्स को थोड़ा रिड्यूस कीजिए और इसको जितना आपको क्रॉप करना है उतना आप इसको मूव कीजिए। मूव करने के बाद आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पैनल पर भी सेटिंग्स की नजर आएंगी। दूसरा, हम बिटमैप की बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देखेंगे क्रॉप आपका ऑन हो चुका है। तो हमें इसी पोजिशन पर इसे क्रॉप करना है, तो इसको क्रॉप प्रेस करते हैं। इमेज आपकी क्रॉप हो चुकी है। इसके बाद दोबारा हम देखते हैं रिसैम्पल पे। रिसैम्पल जब हम किसी इमेज को करते हैं तो आपको सबसे पहले साइज शो करता है उसका। क्या आप अगर उसका साइज चेंज करना चाहते हैं साइज चेंज कर सकते हैं। उसकी रेजोल्यूशन अगर चेंज करना चाहते हैं तो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। मैं इसको साइज चेंज करता हूँ, फिलहाल ये 4.6 इंच है विड्थ में, तो इसको मैं 3 कर देता हूँ। 64% ये हो चुका है। दूसरा, इसमें आप देखेंगे तो इसका साइज नीचे अब चेंज हो चुका है। जैसे ही मैंने इसका साइज चेंज किया, रेजोल्यूशन इसकी 300 ही है। ओरिजिनल जो इसका इमेज का साइज था वो 7.52 MB था, जो नया साइज है वो 3.07 MB है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी रेजोल्यूशन जो है वो उसको मेंटेन करके रखे, यानी कि जितने इसमें पिक्सल है वो उतने ही रहे, सिर्फ उसका इंच में साइज चेंज कर दे और उसकी रेजोल्यूशन को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर ले, तो हम उस टाइम यूज करते हैं मेंटेन ओरिजिनल साइज। इसको हमने यूज किया, दोबारा हम इसको करते हैं 3 इंच। जैसे हम साइज को चेंज करते हैं आप देखेंगे नीचे जो रेजोल्यूशन है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। 469 DPI पर ये स्टैंड चेंज हो चुकी है। और नीचे साइज देखें तो ओरिजिनल साइज और जो न्यू साइज है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि उसने जो पिक्सल वैल्यू है उसको चेंज नहीं किया है। उसका जितने पिक्सल पहले थे उतने ही अभी है, सिर्फ उसने उसका जो मेजरमेंट है इंच में उसको चेंज कर दिया है। तो इस तरह जब भी आपको कोई सेटिंग चेंज करनी हो किसी इमेज की, किसी का साइज चेंज करना हो, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसको रेजोल्यूशन उसकी जो ओरिजिनल है वो उसी में रखना चाहते हैं, तो इस सेटिंग का हम तब इस्तेमाल करते हैं। ओके करते हैं इसको, तो आप नीचे देखेंगे साइज का चेंज हो चुका है और इसकी रेजोल्यूशन 469 DPI हो चुकी है। दोबारा इसको एक बार अंडू कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है हमारी मोड। मोड में हम देखेंगे इमेज को आपको अगर चेंज करना है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट प्रेस करते हैं। इस कमांड का हम यूज करते हैं ज्यादातर जब कोई इमेज को हमें ब्लैक एंड व्हाइट करना हो या कोई लोगो हो जिसे हमें ट्रेस करने के लिए सिंगल कलर में यूज करना हो, तो इसको हम चेंज करते हैं। लाइन आर्ट पे इसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह के इफेक्ट इसमें यूज हो जाते हैं। ओके कीजिए, दोबारा अंडू करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट दोबारा चलते हैं। लाइन आर्ट के बाद में आप नीचे देखेंगे तो इसकी थ्रेशोल्ड जो सेटिंग है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जितना आपको सेटिंग रखनी हो उसको लाइट डार्क करने के लिए उतना आप कर सकते हैं। इमेज की डिटेल आपको चेक करनी होगी, जो डिटेल आपको चाहिए उसी सेटिंग पर आप इसको अप्लाई कीजिए। उसके बाद में ऑर्डर्ड है, जॉर्विस, स्टुकी, यानी जो डॉट्स के इसमें टाइप्स दिए हुए हैं कुछ, आप जैसा रखना चाहते हैं। आप अगर इसको हाफ टोन इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ आप इसका डिग्री एंगल जो सेट कर सकते हैं, कितने लाइन्स पर इंच चाहिए आपको वो आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल ये 150 पर है। जो इसमें डॉट यूज होंगे वो स्क्वायर हो, राउंड हो, लाइन हो, क्रॉस हो या कोई फिक्स्ड वैल्यू हो, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। राउंड करते हैं इसको, 150 हमने किया हुआ है इसको। ओके करते हैं, तो जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे इस तरह के डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं। थोड़ा जूम करके देखेंगे आपको इसको, तो ये सेटिंग आप देखेंगे इसमें डॉट्स में ये पूरा क्रिएट हो चुका है। दोबारा हम इसको जूम आउट करते हैं। डिजाइन के अकॉर्डिंग आप इसमें सेटिंग चेंज कर सकते हैं जैसा ही आप इसका व्यू रखना चाहते हैं। दोबारा हम इसको अंडू करते हैं, एक बार दोबारा ब्लैक एंड व्हाइट पर चलते हैं। कार्डिनलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसीफाई, ओके करते हैं। इस इमेज पर आप कलर यूज कर सकते हैं ब्लेंडिंग मोड में, जिससे कि आप कुछ अलग ही इफेक्ट तैयार कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास इसी में ग्रे स्केल। ग्रे स्केल जब आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आपको ग्रे स्केल करके देगा। अंडू करते हैं दोबारा बिटमैप में ही। इसके बाद तो हमारे पास ग्रे स्केल के बाद डुअटोन, प्लेटेड, लैब, RGB, CMYK हैं। जो मोड में हमें चेंज करना हो उस मोड में हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ब्रेक लाइन और अपडेट फ्रॉम लिंक। अपडेट फ्रॉम लिंक और ब्रेक लाइन जब हम किसी इमेज को एज ए लिंक यूज करते हैं एक्सटर्नली, तो उस टाइम हम इसका यूज करते हैं जब इमेज को हम बाहर से चेंज करें। जैसे मान लीजिए मैंने ये इमेज डिलीट कर देता हूं, दोबारा इंपोर्ट करता हूं। इंपोर्ट करने के बाद जैसे मैंने इमेज सेलेक्ट की, आप नीचे देखेंगे ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपको एक ऑप्शन और शो करेगा, इंपोर्ट एज एक्सटर्नली लिंक इमेज। जैसे हम इसको ओके करते हैं, प्लेस हमने किया इसको, तो ये जो इमेज है आपकी इस टाइम ये एज अ लिंक यूज हो रही है। जब आप इसको ओरिजिनल इमेज को चेंज करेंगे तो यहाँ पर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपको दोबारा इंपोर्ट करने की इसको जरूरत नहीं है। और अगर आप इस लिंक को ब्रेक करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये बाहर अगर चेंज हो तो यहाँ पर कुछ इसका ना हो, यहाँ हम अपडेट दोबारा ना कर पाए, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं जिससे कि ये एम्बेड हो जाती है कोल ड्रॉ में। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो है ट्रेसिंग के लिए। ट्रेसिंग के लिए ये आप जब कोई लोगो या कोई डिजाइन ट्रेस करना आपको इमेज से, जैसे स्कैन हमने किया या कोई इमेज है उसको हमें ट्रेस करना हो, तो उस टाइम इसका यूज करते हैं। इसमें लोगों में देख लेते हैं हम अलग अलग डिजाइन पर, इनकी सेटिंग्स को चेंज चेक करके देखिएगा। ये देखिए इस तरह बिटमैप में दोबारा हम चलते हैं, इमेज को सिलेक्ट करके बिटमैप में दोबारा हम चलते हैं। हाई क्वालिटी इमेज या क्लिप आर्ट आप यूज कर सकते हैं, डिजाइन के अकॉर्डिंग जो आपको यूज करना हो उसे आप यूज कर सकते हैं।
तो आप देखेंगे इसने सेटिंग को चेंज की है जिससे कि वो आपकी हाई क्वालिटी इमेज आपको लगे। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई इमेज आपको इस तरह ट्रेस करना हो तो कोलड्रॉ में हम डायरेक्ट ट्रेस कर सकते हैं उसको, जिससे कि हमें उसको बनाने में दोबारा उतना टाइम नहीं लगाना पड़ता। ज़्यादातर हम इस कमांड का यूज़ लोगो या कोई मैप हो या कुछ ऐसे डिज़ाइन जिसमें लाइन आर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमें डिज़ाइन को कम से कम कलर में यूज़ करना हो, उस टाइम हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बिटमैप में इसके बाद आपका प्लगइन है, अगर आपके पास कोई इंस्टॉल्ड प्लगइन है तो वो यहाँ पर शो होंगे। बिटमैप मास्क है, इस टाइम ये ऑन है, दोबारा हम इसको ऑन कर देते हैं। बिटमैप मास्क में आप देखें तो आपके पास कोई इमेज है, आप चाहते हैं कि उसमें कोई पर्टिकुलर कलर उसमें से हटाना चाहते हैं आप, कोई लोगो भी हो सकता है जिसमें से आप वाइट बैकग्राउंड हटाना चाहें। इसमें हम एक बॉक्स यूज़ करते हैं जिसमें हम कोई भी कलर दे देते हैं और इसको सेंड टू बैक कर देते हैं, ऑर्डर हमने किया इसको टू बैक ऑफ द पेज। दोबारा इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको इसमें कलर के लिए है, आप कितने कलर इसमें यूज़ करना चाहते हैं, जिनको आप हाइड या शो करना चाहते हैं। तो हम फिलहाल इसको फर्स्ट को क्लिक करते हैं, हम चाहते हैं इसमें कलर को हाइड करना, और इसकी जो टॉलरेंस सेटिंग है उसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 48 या 50 के अप्रोक्स रखते हैं इसको। ऊपर से आई ड्रॉपर हम सेलेक्ट करेंगे। आई ड्रॉपर सेलेक्ट करने के बाद हम इसके जो इमेज का एरिया है उसमें हम इसको कहते हैं कि जो वाइट पोर्शन है, जो वाइट कलर जहाँ पर यूज़ है उसको अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे इमेज में जहाँ जहाँ पर वो व्हाइट कलर यूज़ हुआ हुआ है वहाँ से इसने चेंज कर दिया है, जो ट्रांसपेरेंट कर दिया है कलर को। तो जब भी हमें कोई कलर किसी जगह से हटाना हो या ट्रांसपेरेंट उसको करना हो तो हम इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कोलड्रॉ से बिटमैप मास्क का यूज़ करके उस कलर को रिमूव कर सकते हैं। ज़्यादातर ये हम कमांड लोगों पर यूज़ करते हैं, जहाँ हमें लोगों की बैकग्राउंड से वाइट हटाना हो तो वहाँ हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो बिटमैप पे ये थी हमारी कमांड्स जो हमने यूज़ की हैं। इफेक्ट और बिटमैप का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बताना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नेक्स्ट एपिसोड के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।